ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಲಾಲ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಂ ಪಾಷನಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಲ್ ಅಮಿನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಲಾಲ್ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಆಲಂ ಪಾಷನಿಗೆ ಅಪ್ವಕ್ ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನು ಮಾಡುವ ಆರೋಪ ನಿರಾಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಲಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾದರೆ ನಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮೂರ್ಖರಲ್ಲ ಎಂದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಲಾಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೈನೆ ಪ್ರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಸೇ ಯೇ ಚೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ದೇಖಾ ಹೈ तशखीस पूरी जांच की है और कई फ़ोन आए हैं रोंगटे ठहर गए हैं देखते हुए इस दिन हुआ क्या है. कोफ्त हुई है, मायूसी हुई है और एक डॉक्टर होते हुए मैं सवालों के घेरे में रुक गया. जो 28 साल के एक्सपीरियंस में कोई सवाल इतने नहीं करे जितने सवाल एक दिन में मिले. सवाल करने से पहले आपके पास इसका सब्सटेंस होना था. नंबर एक, उन्होंने बोल रहे हैं कि वो एसएसएलसी फेल लड़का है. अगर एसएसएलसी फेल लड़का है और नर्सिंग कर रहा है बोल रहे हैं, तो अगर एसएसएलसी फेल है तो नर्सिंग की एडमिशन कैसे हुई. नंबर दो, ये व्हाट्सएप का इमेज है जो 9 महीने पहले अपलोड हुआ है. कोई शेर का इमेज रखते हैं, कोई सांप का रखते हैं, तो वो लेके आप ये. थर्ड, एक प्रोफेशनल सीक्रेट होता है, किसी की डिलीवरी होती है लेडी की, कोई सर्जरी. आपका काम वीडियो लेना नहीं है, इसकी शिनाख्त करना नहीं है, ये गुनाह में आता है. तो ये मर्द माजरा ये है, ये कुछ और चीज़ पूछ रहे हैं, कुछ और. एक चीज़ पे इनकी डांच नहीं है. अब रहा सवाल, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मैं तो कार्डियोलॉजी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया हूँ जापान में. बॉम्बे जाता हूँ, विशाखापट्टनम जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, BLD जाता हूँ, हर जगह का करिकुलम डायरेक्टर हूँ मैं. कई हमारे को मजबूत तो हमारे कई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, पूरे डिपार्टमेंट के हैं और पूरे ओवर क्वालिफाइड लोग हैं हम. लोग हमारे को फेलिसिटेट करते हैं पुणे जैसी जगहों में, बॉम्बे जैसी जगहों में जहाँ पे स्पीकर्स हैं. आप हमारे को कम ना बताइए, हम कॉमन पब्लिक के आदमी नहीं हैं. MD MS सर्जन से ऑपरेट करे बोले, MD वाले ऑपरेट नहीं करते, MS वाले ऑपरेट करते हैं. नंबर एक. पॉइंट नंबर दो, ये तस्वीर अलमीन की नहीं है, तयशुदा बात है. ये अपने जाति मफाद के लिए आप किसी की तस्वीर ना लगाए. नंबर तीन, ये लड़का इधर का मुलाजिम नहीं है, ये नर्सिंग स्टूडेंट है. उससे जांच पड़ताल करके आप यहाँ के जो जिम्मेदार सुप्रिंटेंडेंट हैं या डायरेक्टर हैं उनसे आप जब कौम का नाम लेके आ रहे हैं तो कौम में हिस्सेदारी सही है भाई, कौम की रहनुमाई भी करिए आप, मगर आप पूछ तो सकते, पूछ तो लेते एक बात. और हर ऑपरेशन से पहले उसका डॉक्टर कौन है, सर्जन कौन है, सुनिए ज़रा, सर्जन कौन है, उसे असिस्ट कौन कर रहा है, एक प्रोटोकॉल केस शीट रहता है. पहले आप ये साबित करिए मरीज़ इधर अलमीन में आया क्या. नंबर दो, मरीज़ की जानकारी करिए, वो इधर अलमीन में था या नहीं था. ये सब करने के बाद ही शुरू होता है ना, मरीज़ इधर का नहीं है, आप अननेसरी उलझ रहे हैं. ये हालात देखते हुए एक अशार याद आ रहा है, दिखा दूंगा दुनिया को जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है, ऐ सूरत है ना तुझे भी हैरान करके छोड़ूंगा. और एक अशार बोलता हूँ, सिफात आना चाहिए, दर्द दिल पास वफा जज्बे ईमान होना, आदमियत यही है और यही इंसान होना. और एक अशार बोलता हूँ, मीरास में आई है इन्हें मसनत इरशाद, मीरास में आई है इन्हें मसनत इरशाद, जागों के तसरुफ में है औकाबों के नशमन. बाद में बोल रहे हैं ज़मीन का इस्तेमाल. 2002 से ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब लिए हैं, कोविड में इतना काम करे हैं हम लोग, तनवीर पीर को लेके करे हैं, कौम जानती है, बीजापुर जानता है, गुरबत जानती है, जब हमने मदद की है. जब होना तो ये लोग माशी मदद कर रहा था लोगों की, जब हम लोग माशी मदद कर रहे थे, शरीफ साहब माशी मदद करे हैं. फाइनेंशियल असिस्टेंस कुछ करना कोई बुरी बात नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसा करना. अब रहा सवाल, ये कौम का है, हम भी कौम के ही हैं, हमारे हवाले ही है भाई. मैं भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, कौम के ही हैं. जिलानी साहब, पाटिल साहब, सब मिलके 30 साल से कभी देखा नहीं गया. निशिकांत है, हर कौम का आदमी काम करता है एक इदारे को बढ़ने के लिए, आपकी नीयत पे दारोमदार है. इससे ज़रा सर मालूम हो रहा है कि क्या हो रहा है. आइए, आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो पहले ऑथेंटिक लेना चाहिए, यानी इसके हॉस्पिटल के आप आ सकते थे. जब ज़िंदगी का इतना ज़ाया वक्त इतना ज़ाया कर रहे हो
ये थोड़ा जाया करना था, मालूम करके तो बोलते। और ये कॉमन पब्लिक में जाने की आदत हम डॉक्टर्स को होती नहीं है, बात करना मुकुम्बा, ये छोटे ये ऐसी हमारी परवरिश होती ही नहीं है, हम खुद अलाइना रहना चाहते हैं। आज वक्त ऐसा आया, 28 साल में पहली बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करना पड़ रहा है हमारे को। हम सहम जरूर गए हैं, अरे क्या हर कोई बोल रहा है कि सर्जरी देखिए आप हाथ तोड़ दे रहे हैं, पैर तोड़ दे रहे हैं। आप बताइए कौन सा मरीज है जो बोला है हमारे पास कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, सुनिए गैस्ट्रो एंट्रिक सर्जरी, किडनी सर्जरी और रीनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट्स, सब किस्म के इलाज होते हैं साहब। हम इंटरनेशनल लेवल पे आलमीन को लेके गए हैं, गुरबत लोगों को फ्री दवाएं, फ्री खाना, फ्री हर चीज़। और दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, ये दौलतमंद आदमी रहने से ये चला सक रहे हैं, ये 6-7 करोड़ का खर्चा महीना चलाना इसके, इससे 700 से 800 मुलाजिम काम करते हैं, 300 से 350 डॉक्टर काम करते हैं, 1.5-1.5 लाख एक डॉक्टर की तनख्वाह होती है। ये कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज चलाना है। ये हाथ डालने से पहले हम, वरना हम खुद चलाते, हम गरीब हैं करके नहीं चला रहे। हमारे में मियार है, आज आप लोगों से आप आके पूछे, हमें कोफ्त भी बोलना नहीं बोलना बोल, पर आखिर को बोलना ही पड़ा, माफ़ करना अगर कोई गलती हो गई तो। और दूसरों के कामों में मदाखलत करने की कोई राय बंदी नहीं बनती आपकी। इतने सवालात हैं, कितने सवालों के घेरे में, कौन सा मरीज बताऊँ आपको। उसका एक नर्सिंग स्टेशन होता है, मैं भी डॉक्टर बनता है, मेल नर्स होता है, फीमेल नर्स होता है, उनकी पोस्टिंग होती है, उनके अंडर में नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं। वो जब तक स्टूडेंट नहीं रहे तो टीचर कैसे बनेंगे, स्टाफ कैसे बनेंगे, मैं भी स्टूडेंट ही रहा होगा ना। हर एक दर्जे होते हैं, टीचर पूरे डिवाइड करके रखते हैं, हम सीखे हुए लोग हैं, डिग्रीज हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, ये अच्छे लोगों की सोहबतों में हम गुजारा है वक्त, कुछ लेवल में आए हैं आपके सामने बात करने, आप लोगों की तरबियत से हम आज बात कर रहे हैं। हाँ बोला, एक तरफा बोलना कभी भी गलत होता है। मैं चाहता हूँ कि गुजारिश कर रहा हूँ, वो बेचारा मायूस कितना होना बच्चा जिसके बारे में इन्होंने बोला है, अरे हर कोई काम करना चाहता था, इल्तिजा रहती है काम करने की, कोई डॉक्टर होता या कोई नॉन डॉक्टर होता, हर किस्म के रसूख को इस्तेमाल करता है इंस्टीट्यूशन, पेशेंट लाने से लेके उसके क्लिनिनेस के, उसके यूरिनल्स के, उसके बैतल खिला के, हर चीज़ क्लिनिनेस तक हम करके। आज मेरे पास 45 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं मेडिसिन में, ये लोग हर चीज़ की ट्रेनिंग हुई है हमारे को, ये बाहर का बच्चा है, इसे हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो है नर्सिंग स्टूडेंट है, उसकी ड्यूटी होती है। मगर ये तस्वीर तो अलमीन की है नहीं, ये तयशुदा, इनको किसने दिया है, किसने उकसाया है, क्यों उलझ रहे हैं, क्यों सुलझाना चाहते हैं भाई। और आप बोल रहे हैं डॉक्टर, आप बोले, आप सवाल करिए आप हमसे, हम मुखातिब होकर जवाब देंगे उसका। अरे उनकी जाती मर्जी है भाई, अगर मैं गोल गुंबद पर टारगेट रखूँ तो अलमीन यानी ट्रस्ट वर्दी, ला अमीन, ये पूरे अलमीन है, हम तो ट्रस्ट वर्दी है, मगर यहाँ तो ट्रस्ट नहीं आ रहा ना, झूठ बोल रहे हैं ना, इतने गंदे काम हो रहे हैं। हाँ वो गंदे कामों की लिस्ट हो ना, आना बाजार तक बैठना, बैठ के पुलिस FIR करके एक एक को अरेस्ट कराते जाओ। आज उलझाना, बाद में सेटल होना, पीछे हटना नहीं करना, पूरा कंप्लीट करना प्रोसेस, पूरा प्रोसेस बोलना। मैं कहाँ रुकता, देखिए शरीफ साहब की शान में एक शेर बोलता हूँ, सुनिए आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझे जाना है बुलंद हदे परवास से।